नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया टुडे से रेखा सचदेव आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम वजीरपुर में आए हैं विकास गोयल जी से मिलने, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं और उनसे कुछ बातें जानते हैं। सर, आपका हेडलाइंस इंडिया टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आजकल जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल आई लव, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो आई लव केजरीवाल जो पोस्टर लगे हुए, दिल्ली की दिल पूरी जनता की दिल की आवाज़ है। आप कहीं भी किसी भी गली में जाओगे, किसी मोहल्ले में जाओगे, किसी बुजुर्ग से पूछोगे, महिला से पूछोगे, बच्चे से पूछोगे, सबके दिल से ये आवाज़ है कि आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। स्पेशल आज की डेट में जो मैं देखी हूँ, लेडीज के मुँह से ज़्यादा आ रहा है आई लव केजरीवाल, जब से ये बस फेयर फ्री हुआ है। बस फेयर की बात हो, चाहे तीर्थ यात्रा योजना की बात हो, बिजली फ्री की बात हो, मतलब इतने काम में मैं गिना भी नहीं सकता। तो सिर्फ लेडीज़ तो, हाँ लेडीज़ों में ज़्यादा रुझान है, लेकिन आप किसी से पूछोगे, बच्चों से, बुजुर्ग से, नौजवानों से, तो दिल्ली में अब एक ही माहौल है आई लव केजरीवाल। सो आई लव केजरीवाल के पूरी दिल्ली में ये जो पोस्टर लगे हुए मिले, साथ ही साथ कुछ पोस्टर ऐसे भी है जहाँ लिखा है अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जब दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो नकारात्मक राजनीति वो कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो वो अपने शासित राज्यों के काम बताए। जैसे आज केजरीवाल जी बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने बिजली फ्री की, हमने DTC ये किया, हमने स्कूलों को अच्छा किया, स्वास्थ्य को अच्छा किया, वो उस पर चर्चा करें, लेकिन उन्हें उनके पास ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसको गिना सके, तो इसलिए वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो वो नकारात्मक राजनीति का जनता अपने आप जवाब देगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर, ऐसे कुछ पांच चीजें गिनवा सकते हो जो दिल्ली में जो लोगों की भलाई में यूज हुए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, कोई पांच काम ऐसे गिनवा जिससे जनता को की मैसेज जाए कि जो ये पोस्टर लग रहे हैं कुछ राजनीति के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो इस्तीफा की बात हो रही है। पाँच के मैं 50 भी गिना सकता हूँ, वो तो आप लोग चैनल पे दिखाते रहते हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसे काम है इस सरकार के जिसकी चर्चा सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज हो रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये ऐसे काम है। उसके बाद बिजली और पानी, बिजली जब ये सरकार बनी तो इस सरकार ने यही वादा किया था जब इन अपनी घोषणा पत्र में कि हम बिजली हाफ करेंगे, कभी इन्होंने नहीं कहा माफ़ कर देंगे, लेकिन ये पहली सरकार होगी जिसने कहा था कि माफ़ करेंगे और माफ़ कर दी बिजली। उसी तरह पानी की बात है, आज पहले जिन कॉलोनियों में पानी नहीं जाता था, टैंकर जाते थे और टैंकर भी खरीद कर लेने पड़ते थे, आज ज़्यादातर कॉलोनियों में पाइप से पानी जाने लग गया, साफ पानी जाने लग गया। हो सकता है इक्का दुक्का कोई जगह रह गई हो तो वहाँ भी जाने लग जाएगा। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मेजर इशू है, ये जो एक मूलभूत सुविधाएँ जनता को चाहिए, इस पर बहुत काम इस सरकार ने किया है। उसके बाद हम बात करें महिला सुरक्षा की, तो CCTV कैमरे लगाने हैं, बसों में मार्शल लगा दिए, बसों में यात्रा फ्री कर दी। बसों में यात्रा फ्री करने के बाद आपने अगर आंकड़े पढ़े हो, अखबार में भी आंकड़े आए हैं कि 40% महिलाओं ने सफर बढ़ा है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर रही है। आज जो महिला रात को 11 बजे 12 बजे ऑटो में अकेली जाती थी, आज बस फ्री होने से, बस में मार्शल है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो महिला सुरक्षा की के ऊपर ये बहुत बड़ा कदम है दिल्ली सरकार का। तो ये तो 5-6 काम है, काम गिनवाऊंगा तो मैं खुद भी नहीं गिनवा पाऊंगा, इतने काम है। अब जैसे ऑड इवन की हम बात करते हैं, तो पूरे दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल जी ही इकलौते हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया, इससे पहले आज तक ऐसा ऑड इवन दिल्ली में नहीं हुआ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा वही काम किया है जो दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा हो। उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, और पार्टियाँ हमेशा राजनीतिक माइलेज के लिए काम करती है जिससे राजनीतिक फ़ायदा मिले। अरविंद जी ने वही काम किया जिससे जनता की भलाई हो, इसलिए वो हर वो बोल्ड स्टेप उठाते हैं, चाहे वो ऑड इवन की बात हो, चाहे वो बिजली फ्री की बात हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा। अब आप बताइए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, किसी सरकार ने आज तक कभी सोचा था कि 60 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे? ना हमारी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी 60 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, लोगों की इतनी दुआएं उनको मिल रही है। 27 ट्रेनें दिल्ली से जा चुकी है, 27 ट्रेनें, और अभी 25 ट्रेनें और जल्दी जाने वाली हैं। तो और ये चर्चा भी, आप दिल्ली के गली मोहल्ले में जाओगे तो बुजुर्ग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसी ट्रेनें हैं, सारा खाना फ्री है, सब कुछ फ्री है, हर फैसिलिटी उनको मिल रही है, और 13 जगह रामेश्वरम जाओ, द्वारकाधीश, वैष्णो देवी। तो ये जो योजनाएं, ऐसे काम जो जमीनी लेवल पर कर रहे हैं, जो लोगों को जरूरत है, राजनीति के लिए नहीं कर रहे, दिल्ली की जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल जी किसी दिल्ली या किसी एक एरिया में नहीं रहते, वो लोगों के दिलों में बस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए, वो एक आम आदमी है, और आम आदमी पार्टी एक आम आदमियों की पार्टी है, तो उन्होंने सारे काम वही किए हैं जो एक आम आदमी के लिए अच्छे हैं, आम आदमी को जिनकी जरूरत है। तो आम आदमी बनकर वो आम जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वही जो एक मूलभूत जरूरतें हैं इंसान की, जैसे पहले गरीबों को बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, शिक्षा नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य नहीं मिलता था, वो सारे काम, उनका सारा ध्यान उस तरफ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसा करे कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। आजकल आप जैसे जनसभा में भी जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन जनसभा
जाने से क्या आपका जो मैसेज है, जो आपका जाने का मोटिव है, क्या लोगों तक मैसेज क्या जा रहा है उसका? आज से पहले जो जनसभाएं होती थी उसमें क्या होता था, एक नेता जाता था, वो अपना भाषण देता था, जनता सुन के चली जाती थी। आज जो हो रहा है, जैसे मैं भी जा रहा हूँ और भी हमारे हम कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं, वहाँ पे हम नहीं बोल रहे, वहाँ पे आप मेरी कोई वीडियो देखोगे या किसी की वीडियो देखोगे, वहाँ जनता खड़े होकर काम गिना रही है। मतलब पहली बार ऐसे ही कोई सरकार आई है कि जनता खड़े होकर, हमें बोलना नहीं पड़ता, जनता खुद खड़े होकर सवाल अपने काम गिना रही है दिल्ली सरकार के। और पूरे मैं कहूँगा कि आज तक के इतिहास में पहली ऐसी सरकार होगी जो चुनाव के टाइम में बीच चौराहे पर जनता को माइक दे रही है, चाहे वो कांग्रेस का खड़ा हो, कोई ये थोड़ा ना देख रहे हैं कौन खड़ा है, उनको माइक दे रही है कि आप बताइए, आप बताइए आपको जो बताना है। और उसके बाद 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा है, तो हर तरफ एक ही आवाज़ है कि आई लव केजरीवाल, और दिल्ली में तो केजरीवाल ही। सो यही कि आज हम बात कर रहे थे विकास गोयल जी से यहाँ से, और हमने ये बहुत सारी चीज़ें जानी कि जो लोग यहाँ पर जो पोस्टर लगा रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति का आई गेस कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे दिलों में, करोड़ों दिलों में अरविंद केजरीवाल जी बसते हैं, जैसे कि इन्होंने हमें बताया विकास गोयल जी ने कि आई लव अरविंद केजरीवाल कहने से या छापने से नहीं, लोगों के दिल में ऐसा हो रहा है। हेडलाइंस इंडिया टुडे से रेखा सचदेवा।